उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर नेताओं द्वारा तमाम जनता से वादे किए जा रहे हैं और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कैंट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता और 3 बार विधायक रह चुके सुरेश चंद तिवारी को अपना चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद है सुरेश चंद तिवारी और इनसे बात करते हैं क्या चुनावी समीकरण चल रहा है। सर, RNN TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता लड़ रही है। उसका मुख्य कारण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टी के प्रत्याशी बाहरी हैं जो कैंट विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। बाहरी चेहरे की बात कर रहे हैं तो जहां तक देखा जाए तो सभी पार्टियां जो है ब्राह्मण चेहरे को आगे किया है। इसका क्या चुनावी समीकरण जो जातीय समीकरण है इसको लेकर के क्या ब्राह्मण प्रत्याशी को आगे किया गया क्या? उनके पास प्रत्याशी ही नहीं थे तभी वो बाहर से आयात करके लाए हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों तक मैं विधायक रहा, जन जन से मेरा सीधा संवाद है, जन जन से मेरा संपर्क है। उस संपर्क के नाते मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ रही है और माननीय मोदी जी और हमारे नेता अमित शाह जी, हमारे सांसद माननीय राजनाथ सिंह, ये ऐसे चेहरे हैं कि देश की जनता इनकी दीवानी है। उस कारण से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आप थे सुरेश चंद तिवारी, जिनका साफ मानना है कि इन्होंने तमाम क्षेत्र में काम किया है, 15 वर्षों तक लगातार काम किया है, तो कहीं ना कहीं जनता इनके कामों को लेकर के काफी खुश है। कैमरामैन मोहम्मद जैब के साथ संजीव सिंह, RNN TV लखनऊ।